नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा 8वां युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के विद्यार्थियों ने इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में भाग लिया। जेसीडी विद्यापीठ में आयोजन करवाए गए इस युवा महोत्सव का समापन आज हुआ। समापन समारोह में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। युवा महोत्सव में कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां पेश की। इस बार युवा महोत्सव में धरती को जीने लायक बनाओ की थीम पर आयोजन किया गया कार्यक्रम। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। युवा महोत्सव कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जयप्रकाश व जेसीटी की प्रबंधक निदेशक शमीम शर्मा ने बताया कि तीन दिनों तक आयोजित इस युवा महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति को दर्शाते हुए बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां विद्यार्थियों द्वारा पेश की गई। उन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न 42 कॉलेजों के करीबन 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान जेसीडी के युवा महोत्सव में भाग लेने आए विद्यार्थियों ने अनुशासन की बेहतरीन मिसाल कायम की। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ संदेश देने के लिए इस बार धरती जीने लायक बनाने की थीम पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश भी दिया। अब देखने पलपल की एक खास रिपोर्ट अमर सिंह जानी के साथ। हमने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का 8वां युवा महोत्सव यहाँ मनाया है और 3 दिनों से बहुत ही रौनक रंगत, और सबसे बड़ी बात है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम में पूरी संस्कृति झलक रही है, ना केवल कलाकारों की बल्कि मैं कहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड है और कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो तटनष्ट हो गई है या उन्हें जो है तहजीब खत्म हो गई है। वो बहुत ही मज़े से शालीनता से प्रोग्राम को नज़र कर रहे हैं और यही हमारी सफलता है कि सारा प्रोग्राम कुल 28 विधाओं में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, और हर प्रतिस्पर्धा को सराहने के लिए ऑडियंस ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, वो भी पूरे अनुशासन के साथ। ये 8वां विश्वविद्यालय का यूथ फेस्टिवल था जिसमें 42 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया और 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें रहे और 3 विधाएं यहाँ पे चली, थिएटर आइटम्स और सिंगिंग और डांसिंग। अब आप देख रहे हो डांसिंग के आइटम मेन स्टेज पर चल रहे हैं जिसमें लगभग 8 टीमें थी जिन्होंने अपना भंगड़ा पेश किया और अभी 6 टीमें हैं जिन्होंने हरियाणवी डांस पेश करना है। और आज के इसके समापन के मुख्य अतिथि हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं और विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह जी चौटाला हैं, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर आपने देखा है आज समापन अवसर पर भी हमारा जो प्रोसेशन था उसमें लगभग 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और प्रोसेशन में डिफरेंट टीमें थी जो पहली बार हुआ है। अभी तक इनॉग्रल पर प्रोसेशन होता था लेकिन अब की बार हमने ये ट्रेंड शुरू किया है कि समापन अवसर पर भी हम प्रोसेशन निकालें और इसमें जो टीमें फर्स्ट और सेकेंड आएगी जेसीडी विद्यापीठ अपनी तरफ से उनको प्राइजेस देगा। इसका मुख्य थीम इस यूथ फेस्टिवल का जो 8वां यूथ फेस्टिवल है यूनिवर्सिटी का, इसमें चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं। और आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम में इतने अच्छे प्रोग्राम थे जिसमें कि थीम को लेकर पहली बार मैंने देखा कि गिद्धे में भी थीम को लेकर आए कि इस धरती को रहने योग्य बनाएं। आपने देखा होगा स्टेज के सामने भी हमने फ्लावर से इसको डेकोरेट किया है और अच्छे लाइव लीव जो है फ्लावर्स वो हमें दिखाते हैं कि इस धरती को रहने योग्य बनाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पराली के कारण प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा एक थीम दिया ताकि इसके माध्यम से, कल्चरल के माध्यम से हम समाज को एक मैसेज दे पाए। बहुत ही बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल अपने आप में याद स्मरणीय रहेगा।